हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा आचार्य। और यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। UPSCERT की सारी बुक्स यहां पर अपलोड की जाएंगी तो साथ साथ पढ़ सकते हैं इन वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो बुक है वो महान व्यक्तित्व चल रही है और पार्ट 1 चैप्टर 2 अपलोड कर दिया है। तो चैप्टर 3, 4, 5 पर आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे उन पर फोकस करेंगे। दुष्यंत पुत्र भरत की बात है इस चैप्टर में और पढ़ लेते हैं। होनहार वीरवान के होत चिकने पात। इस कहावत का आशय यह है कि वीर ज्ञानी और गुणी व्यक्ति की झलक उसके बचपन से ही दिखाई देने लगती है। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं और इन महापुरुषों ने अपने बचपन में ही ऐसे कार्य किए जिन्हें देख कर उनके महान होने का आभास होने लगा था। ऐसे ही एक वीर प्रतापी व साहसी बालक भरत थे। भरत राजा दुष्यंत के पुत्र थे और जो राजा दुष्यंत है वो कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के। राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए कर्ण ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ शकुंतला को देखकर वह उस पर मोहित हो गए और शकुंतला से आश्रम में ही गंधर्व विवाह कर लिया। आश्रम में ऋषि कर्ण के ना होने के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ नहीं ले जा सके और उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दे दी जो उनके विवाह की निशानी थी। एक दिन शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ बैठी दुष्यंत के बारे में सोच रही थी, उसी समय ऋषि दुर्वासा आए, आश्रम में आए और शकुंतला दुष्यंत की याद में इतनी अधिक खोई हुई थी कि उसे दुर्वासा ऋषि के आने का पता ही नहीं चला और शकुंतला ने उनका आधा सत्कार नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को शाप दिया और उसकी याद में खोए रहने के कारण तूने मेरा सम्मान नहीं किया वह तुझको भूल जाएगा, ये उन्होंने श्राप दिया। शकुंतला की सखियों ने क्रोधित ऋषि से अनजाने में उससे हुए अपराध की क्षमा करने के लिए कहा और निवेदन किया। ऋषि ने कहा, मेरा जो श्राप है उसको का जो प्रभाव है वो समाप्त तो नहीं हो सकता, किंतु दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी को दिखाने से उन्हें अपने विवाह का स्मरण हो जाएगा। कर्ण ऋषि जब आश्रम वापस आए तो उन्होंने शकुंतला के गंधर्व विवाह का समाचार मिला और उन्होंने एक गृहस्थ की भांति अपनी पुत्री को पति के पास जाने के लिए विदा किया। शकुंतला के पास राजा द्वारा दी गई अंगूठी खो गई थी। श्राप के प्रभाव से राजा दुष्यंत अपने विवाह की घटना भूल चुके थे। वे शकुंतला को पहचान नहीं सके। निराश शकुंतला को उसकी माँ, तो शकुंतला की जो माँ थी उनका नाम था मेनका, मेनका ने कश्यप ऋषि के आश्रम में रखा और उस समय वह गर्भवती थी। उसी आश्रम में दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म हुआ। तो भरत का जन्म किस ऋषि के आश्रम में हुआ है? कश्यप ऋषि के आश्रम में, ध्यान रखिएगा। भरत बचपन से ही वीर और साहसी थे। वह वन के हिंसक पशुओं के साथ खेलते और सिंह के बच्चों को पकड़कर उनके दांत गिनते थे। उनके निर्भीक कार्यों से आश्रमवासी उन्हें सर्वदमन कहकर पुकारते थे। तो सर्वदमन भरत को कहा गया है। समय का चक्र ऐसा चला कि राजा को वह अंगूठी मिल गई जो उन्होंने शकुंतला को विवाह के प्रतीक के रूप में दी थी और अंगूठी देखते ही उनको विवाह की याद ताजा हो गई। शकुंतला की खोज में भटकते हुए एक दिन वह कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुँच गए जहाँ शकुंतला रहती थी। उन्होंने बालक भरत को शेर के बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। राजा दुष्यंत ने ऐसे साहसी बालक को पहले कभी नहीं देखा था और बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। दुष्यंत ने बालक भरत से उसका परिचय पूछा। भरत ने अपना और अपनी माँ का नाम बताया। दुष्यंत ने भरत का परिचय जानकर उसे गले से लगा लिया और शकुंतला के पास गए। अपने पुत्र और पत्नी को लेकर वह हस्तिनापुर वापस लौट आए और हस्तिनापुर में भरत की शिक्षा दीक्षा हुई। दुष्यंत के बाद भरत राजा हुए। उन्होंने अपने राज्य की सीमा का विस्तार संपूर्ण आर्यवर्त यानी कि उत्तरी और मध्य भारत में कर लिया। अश्वमेघ यज्ञ कर उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की और चक्रवर्ती सम्राट भरत ने राज्य में सुदृढ़ न्याय व्यवस्था और सामाजिक एकता स्थापित की। उन्होंने सुविधा के लिए अपने शासन को विभिन्न विभागों में बांटकर प्रशासन में नियंत्रण स्थापित किया। भरत की शासन प्रणाली से उनकी कीर्ति सारे संसार में फैल गई और सिंहों के साथ खेलने वाले इस भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4 की ओर बढ़ लेते हैं। तो चैप्टर जो 4 है वह है सत्यवादी राजा हरिश्चंद। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे द्रवत हरिश्चंद को टरे न सत्य विचार। सत्य की चर्चा जब भी की जाएगी महाराज हरिश्चंद का नाम जरूर लिया जाएगा
और हरिश्चंद इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा थे। याद रखिएगा, कहा जाता है कि वे जो बात कह देते थे उसका पालन निश्चित रूप से करते थे। इनके राज्य में सर्वत्र सुख और शांति थी। इनकी पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहिताश था। तारामती को कुछ लोग शैव्या भी कहते थे। महाराजा हरिश्चंद की सत्यवादिता और त्याग की सर्वत्र चर्चा थी। महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद के सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया और रात्रि में महाराजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में दिखाई दिए और हरिश्चंद्र ने देखा कि कोई तपस्वी ब्राह्मण राजभवन में आया है। उन्हें बड़े आदर से बिठाया तथा उनका यथेष्ट आदर सत्कार किया। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही इस ब्राह्मण को अपना राज्य दान में दे दिया। जगने पर महाराज इस स्वप्न को भूल गए। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र इनके दरबार में आए। उन्होंने महाराज को स्वप्न में दिए गए दान की याद दिलाई। ध्यान करने पर महाराज को स्वप्न की सारी बातें याद आ गईं और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने हेतु राजकोष से मुद्रा लाने को कहा तो विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जब सारा राज्य तुमने दान में दे दिया है तब राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? यह तो हमारा हो गया, उसमें से दक्षिणा देने का अधिकार अब तुम्हें नहीं रहा। हरिश्चंद्र सोचने लगे, विश्वामित्र की बात में सच्चाई थी किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक था। वे यह सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र बोल पड़े कि तुम हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। तुम्हें यदि दक्षिणा नहीं देनी तो साफ साफ कह दो, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दान देकर दक्षिणा देने में आनाकानी करते हो, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र विश्वामित्र की बातें सुनकर दुखी हो गए। वे बोले, भगवान, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप जैसे महर्षि को दान देकर दक्षिणा कैसे रोकी जा सकती है? राजमहल कोष सब आपका हो गया है। अब मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। काशी में राजा हरिश्चंद्र ने कई स्थलों पर स्वयं को बेचने का प्रयत्न किया। तो याद रखिए, ये कहाँ की बात हो रही है? काशी की बात हो रही है। सफलता ना मिली। सायंकाल तक राजा को शमशान घाट के मालिक डोम ने खरीदा। तो मालिक का नाम डोम था। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन अगर आ जाए तो कम से कम अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। राजा अपनी रानी तथा पुत्र से अलग हो गए। रानी तारामती को एक साहूकार के यहाँ घरेलू कामकाज करने को मिला और राजा को मरघट की रखवाली का काम मिला। तारामती जो पहले महारानी थी, जिसके पास सैकड़ों दास दासियाँ थीं, अब बर्तन माँजने और चौका लगाने का काम करने लगी। स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र शमशान पर पहरा देने लगे। जो लोग शव जलाने मरघट पर आते थे उनसे कर वसूलने का कार्य राजा को दिया गया और अपने मालिक की डांट फटकार सहते हुए भी नियम एवं ईमानदारी से अपना कार्य करते रहे। उन्होंने अपने कार्य में कभी कोई भी त्रुटि नहीं होने दी। इधर रानी के साथ एक हृदय विदारक घटना घटी। उसके साथ पुत्र रोहिताश भी रहता था। एक दिन खेलते खेलते उसे सांप ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। वह यह भी नहीं जानती थी कि उसके पति कहाँ रहते थे। पहले से ही विपत्ति झेलती हुई तारामती पर यह दुख वज्र की भांति आ गया। उनके पास कफन तक के लिए पैसे नहीं थे। वे रोती बिलखती किसी प्रकार अपने पुत्र के शव को गोद में उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले गई। रात का समय था, सारा शमशान सन्नाटे में डूबा था। एक दो शव जल रहे थे। इसी समय पुत्र का शव लिए रानी भी शमशान पर पहुंची। हरिश्चंद्र ने तारामती से शमशान का कर मांगा। उनके अनुनय विनय करने पर तथा उनकी बातों से वे रानी तथा अपने पुत्र को पहचान गए, किंतु उन्होंने नियम में ढील नहीं दी। उन्होंने अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तारामती से कहा, शमशान का कर तो तुम्हें देना ही होगा, उसे कोई मुक्त नहीं हो सकता। यदि मैं किसी को छोड़ दूँ तो यह अपने मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। हरिश्चंद्र ने तारामती से कहा, यदि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दे दो, मैं तो उसे ही कर के रूप में ले लूँगा। तारामती विवश थी। उसने जैसे ही साड़ी का को फाड़ना आरंभ किया, आकाश में गंभीर गर्जना हुई। विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने रोहिताश को भी जीवित कर दिया और विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी परीक्षा हो रही थी कि तुम किस सीमा तक सत्य एवं धर्म का पालन कर सकते हो। यह कहते हुए विश्वामित्र ने उन्हें उनका पूरा राज्य जैसे का तैसा लौटा दिया। महाराज हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर भी सत्य व्रत का पालन किया और यह सत्य एवं धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है। आज भी महाराजा हरिश्चंद्र का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। तो यहाँ पर चैप्टर 4 भी एंड होता है। तो एक बार आप चैप्टर पढ़ लेंगे।